हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी हैश टेबल रैनसम नोट क्वेश्चन इन हैक करेंगे। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, हेरोल्ड इज अ किडनैपर हु रोट अ रैनसम नोट बट नाउ ही इज वरीड। इट विल बी ट्रैक्ड बैक टू हिम थ्रू हिज हैंड राइटिंग। ही फाउंड अ मैगजीन एंड वॉन्ट्स टू नो इफ ही कैन कट आउट होल वर्ड फ्रॉम इट एंड यूज देम टू क्रिएट अ untrackable replica of his ransom note. The words in his note are case sensitive and he must use only whole words available in the magazine. He cannot use substring or concatenation. So given the words in the magazine and words in the ransom note, print yes if he can replicate his ransom note exactly using whole word from the magazine, otherwise print no. So input format magazine or next one is note. So let's see what we have to do. यहाँ पे हमें magazine एक दिया है string और यहाँ पे note. So जो भी note में ये words है ये सारे इस magazine में present होने चाहिए. So here we can see first word attack. यहाँ पे present है क्या? नहीं, क्योंकि यह case sensitive है. So we will print no. So let's see next example. So this is our array magazine and note array. So यहाँ पे 6 element है, then यहाँ पे 4 element है. अभी देखेंगे गिव है क्या. हाँ है, यहाँ पे magazine के array में 1 है क्या, यही है. grand भी है, then today भी है. So सारे element present है note array के मैगजीन में. सो दिस इज वी विल प्रिंट यस. नेक्स्ट वन इज हियर वी कैन सी 2 times 3 is 4 एंड दिस इज 2 है क्या यहाँ पे. हाँ है. देन टाइम्स यस, लेकिन यहाँ पे 2 बार 2 आ चुका है, लेकिन इस अरे में 1 ही बार 2 है मैगजीन अरे में, लेकिन नोट अरे में 2 बार है. सो वी विल प्रिंट नो. हियर वी कैन सी एक्सप्लेनेशन 2 ओनली ऑकर्स वंस इन अ मैगजीन. नेक्स्ट वन इज हियर वी कैन सी ऑल्सो यह सेम है. देन गॉट, लेकिन सम यहाँ पे है क्या? नहीं है. सो वी विल प्रिंट नो. सो नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ कैन वी सॉल्व. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू इज यहाँ पे हम एक हैश मैप क्रिएट करेंगे और वर्ड्स और उसके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम इसे स्टोर करेंगे. लेट्स सी यहाँ पे हैश मैप की वैल्यू पे, और फर्स्ट वर्ड इज गिव और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1 की वैल्यू पे, देन मी उसकी 1, देन नेक्स्ट वन इज 1 उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, देन ग्रैंड उसकी फ्रीक्वेंसी 1, देन टुडे इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, देन NIGST इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1. सो हैश मैप में सभी इसकी फ्रीक्वेंसी डालेंगे. एंड नेक्स्ट अभी इस अरे को हम चेक करेंगे एक एक वर्ड के हिसाब से. अभी गिव होगा, तो जैसे ही गिव आएगा यहाँ पे हम इसको 0 कर देंगे, 0. सो वी विल डिक्रीमेंट दिस एंड वी विल गेट हियर 0. दैट मीन्स अभी ये वर्ड ख़त्म हो चुका है. 0 जहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी होगी वहाँ पे मीन्स यह वर्ड ऑकर हो चुका है. सेन देन नेक्स्ट वन इज अगर 1 आएगा सो इसकी भी फ्रीक्वेंसी हम क्या करेंगे, 0 करेंगे. नेक्स्ट वन इज ग्रैंड. अब ग्रैंड भी आ चुका है सो इसको भी डिलीट कर देंगे, मीन्स यह ऑकर हो चुका है. सो वी विल प्रिंट हियर 0. नेक्स्ट वन इज टुडे. सो टुडे भी जा चुका है सो इसको भी हम 0 कर देंगे. सो सारे एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट थे इसलिए हम इसे यस कर देंगे. हमें यहाँ पे खाली इसको देखना है. सो नेक्स्ट वन इज व्हाट वी विल डू. उसी तरह हम इसको भी देखेंगे. अभी यह यहाँ पे समझ में आएगा. सो अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी प्रिंट करेंगे. सो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 है. मैगजीन अरे में देखना है. टाइम्स की भी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 है. सो 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 है. इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है.
नॉट की फ्रीक्वेंसी 1 है और FOUR 4 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 1 टाइम्स ऑकर हो रहा है। सो फर्स्ट टेम्पल देखेंगे 2, सो 2 को जैसे ही ऑकर होता है सो यहाँ पे इसको डिक्रीमेंट कर देंगे, वैल्यू 0। अभी टाइम्स, सो टाइम्स आ चुका है सो इसके भी 0 कर देंगे। अभी यहाँ पे अगेन 2 आ चुका है, लेकिन हमें यहाँ पे 0 है मीन्स 2 अभी प्रेजेंट नहीं है ज़्यादा, सो यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे और नो विल बी प्रिंटेड। अभी प्रोग्राम लिख रहे हुए बाद समझ में आएगा। सो दिस इज द थिंग। वैसे यहाँ पे इसको अरे में मैप में स्टोर करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी सारे की 1 1 आएगी और सारे 1 1 टाइम्स प्रेजेंट, लेकिन सम हमारे हैश मैप में प्रेजेंट होगा क्या? नहीं होगा। सो जैसे ही नहीं प्रेजेंट होगा उसे नो नो कर प्रिंट कर देंगे। सो लेट्स सी हाउ कैन वी राइट कोड। सो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला था, हैश मैप क्रिएट करेंगे। सो हैश मैप ऑफ की स्ट्रिंग एंड देन इंटीजर, HM इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। सो दिस इज द हैश मैप। अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर यहाँ पे अरे लिस्ट दिया है हमें। सो दिस इज योर आई इज लेस देन अरे लिस्ट की साइज कैसे करेंगे, SIZE फंक्शन के हिसाब से, देन i++। अभी यहाँ पे HM.put हैश मैप में ऐड करने के लिए पुट का यूज़ होता है, HM.put मेथड। अभी यहाँ पे इसकी स्ट्रिंग फेच करेंगे, स्ट्रिंग यस इक्वल टू मैगजीन एट पोजिशन वाई। सो मैगजीन फेच करने के लिए कौन सा मेथड होता है अरे लिस्ट में, गेट मेथड, मैगजीन डॉट गेट एट पोजिशन आई। और हैश मैप में पुट करेंगे YES, HM.get और डिफॉल्ट ऑफ YES, 0+1। सो यह क्या करेगा, यस आ चुका है सो अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो YES, यहाँ पे हमें 0 मिलेगा +1, सो दैट स्ट्रिंग एंड 1 विल बी स्टोर। और अगेन अगर अगली बार यस अगेन आएगा तो क्या होगा, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, सो 1 विल बी देयर एंड 1+1 विल बी 2। सो अगर यस 2 बार है तो यहाँ पे हमें उसकी पहले वाली फ्रीक्वेंसी 1+1 2, सो YES, 2 विल बी। देन अगर यस आएगा तो यस यहाँ पे पुट होगा और यहाँ पे हमें उसकी फ्रीक्वेंसी पहले कितनी थी 2, सो 2+1 इज 3, सो यस इज 3 अगर 3 टाइम्स आएगा। सो दिस इज द शॉर्ट मेथड वी कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। सो यह तो हो गया अभी हैश मैप में। अभी हम नोट लिंक लिस्ट में चेक करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई इज लेस देन नोट डॉट साइज देन वील डू i++। और अभी यहाँ पे आ चुका है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, यह नोट लिस्ट में जो भी एलिमेंट है वो इसमें प्रेजेंट होना चाहिए इस हैश मैप में। सो इफ HM.contains यहाँ पे इसका स्ट्रिंग लेता हूँ मैं इसी तरह यहाँ पे जैसे फेच किया था, दिस इज अ वे, और यहाँ पे मैगजीन की जगह नोट लेना है NOTE। अगर HM.contains यस एंड इसकी फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होनी चाहिए, इक्विप फ्रीक्वेंसी अगर 0 होगी तब भी यह नहीं प्रेजेंट होगा। सो HM.get ऑफ यस इज नॉट इक्वल टू 0, सो यह मींस अगर HM.contains है और इसकी फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है मींस वह एलिमेंट हैश मैप पे प्रेजेंट है। अभी हम क्या करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे, मीन्स हमने उसे चेक कर लिया है। सो HM.put ऑफ YES, HM.get ऑफ YES --, एल्स अगर यह नोट में से जो भी एलिमेंट है अगर हैश मैप में प्रेजेंट नहीं होगा मीन्स वी कैन नॉट फॉर्म द नोट। सो वी विल डू System.out.println no and we will return from here return otherwise at the end of the loop
we will print yes. Here we will print yes, और यहाँ पे हम लोग करेंगे no. Now let's check this, run the code. यहाँ पे क्या आ चुका है, एच एम डॉट, यहाँ पे की आना चाहिए, एच एम डॉट कंटेंट्स की. दिस इज अ फर्स्ट एरर. नेक्स्ट वन इज यस, दिस इज अनएक्सेप्टेड. देन हियर वी कैन सी, यहाँ पे एच एम डॉट गेट एट, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है. लेट्स सी, यहाँ पे एच एम डॉट गेट ऑफ माइनस वन कर देंगे. नाउ लेट्स रन दिस कोड. रन हो चुका है सबमिट द कोड. सबमिट भी हो चुका है. नाउ लेट्स सी हाउ दिस इज एग्जीक्यूटिंग. सो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट वी विल गो, दिस इज अवर मैगजीन अरे. सो ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है वो देखेंगे. सो मैगजीन की अरे लिस्ट यहाँ पे देख लेते हैं. दिस इज मैगजीन अरे लिस्ट, एंड नोट की भी अरे लिस्ट देंगे. वेयर इज नोट, हियर, हियर इज नोट, यस. सो दिस इज अवर कंडीशन. नाउ लेट्स सी हाउ दिस इज एग्जीक्यूटिंग. सो लेट्स सी, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यस क्या मिलेगा हमें, सो गिव, देन मी, देन वन, देन ग्रैंड, देन टुडे, देन नाइट. सो लेट्स सी हाउ दिस इज स्टोर्ड इन द हैश मैप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिलेगा गिव. सो गिव मिलेगा स्ट्रिंग यस इज इक्वल टू मैगजीन डॉट गेट एट पोजिशन जीरो, एच एम डॉट पुट यस कॉमा एच एम डॉट गेट ऑफ डिफॉल्ट. सो एच एम और गेट ऑफ डिफॉल्ट मीन्स एच एम हैश मैप में प्रेजेंट है क्या गिव, पहले से नहीं है. दिस इज फर्स्ट टाइम, सो इट विल गिव जीरो प्लस वन. सो हियर वी कैन सी दिस विल बी वन की एंड वैल्यू फेयर. नेक्स्ट वन इज मी, सो मी के लिए भी ऐसे होगा, सभी ऐसे होगा. सो आई विल राइट हियर डायरेक्टली, मी इज वन, वन के लिए भी वन, ग्रैंड के लिए भी वन, वैसे ही टुडे के लिए भी वन, एंड नाइट के लिए भी यहाँ पे इसकी वैल्यू वन हो जाएगी. सो दिस इज अवर एग्जैक्टली हैश मैप. नेक्स्ट वन इन अभी नोट साइज को देखेंगे, नोट. सो दिस इज अवर नोट. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट हमें क्या मिलेगा, गिव. सो यहाँ पे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट. सो फर्स्ट स्टेप इज गिव. क्या ये हैश मैप में गिव है क्या, हाँ है. सो दिस विल बी गिव. नेक्स्ट वन एच एम डॉट गेट, उसकी फ्रिक्वेंसी जीरो है क्या, नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो एग्जीक्यूटिंग. सो यह बीच में जाएगा इस इफ ब्लॉक में. एच एम डॉट पुट, अभी क्या होगा, इसकी फ्रिक्वेंसी जीरो होगी. दिस विल बी रिप्लेस विथ जीरो, क्योंकि हम इसे देख चुके हैं अभी यहाँ पे नोट में प्रेजेंट है. सो इसकी फ्रिक्वेंसी वन से कम करेंगे, दैट इज एच एम डॉट गेट एट यस माइनस वन. नेक्स्ट वन एल्स पास एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि इफ हो चुका है. नेक्स्ट वन इज वन, वन को देखेंगे, एच हैश मैप में कंटेन कर रहा है क्या वन, हाँ है. और इसकी फ्रिक्वेंसी जीरो है क्या, नहीं है. सो इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड. अभी इसकी भी यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, मीन्स वन भी अभी जा चुका है. अभी देखेंगे ग्रैंड एंड टुडे, सो दिस विल बी जीरो. ग्रैंड को भी देखेंगे एंड टुडे विल बी जीरो. सो यह एल्स ब्लॉक की स्टेटमेंट कभी भी यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ पे सारे प्रेजेंट है. सो एंड में फॉर लूप के यस विल बी प्रिंटेड एंड दिस इज अवर आंसर. सो नेक्स्ट वन इज वी विल अंडरस्टैंड दिस कंडीशन, यह कंडीशन कैसे एग्जीक्यूट हो रहे. सो दिस इज अवर मैगजीन अरे, दिस इज अवर मैगजीन अरे. अभी नोट अरे में देखेंगे, दिस इज अवर नोट अरे. आई विल राइट हियर नोट अरे. अभी इसको देखेंगे यह कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है. सो फर्स्ट स्टेप इज वी विल स्टोर इन द हैश मैप. सो टू की फ्रीक्वेंसी वन होगी, देन टाइम्स की फ्रीक्वेंसी भी वन होगी,
देन THREE की भी 1 होगी, देन इज़ की भी 1 होगी फ्रीक्वेंसी, देन नॉट विल बी 1 एंड FOUR4 विल बी 1। सो दिस इज़ द कंडीशन वी हैव रिटन। नाउ लेट सी, दिस इज़ द नोट्स अरे, दिस इज़ लिस्ट। सो यह तो हो चुका है, हमने यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट वन इज यस, सो फर्स्ट वन इज़ 2, सो 2 तो आ चुका है। हैश मैप में कंटेन कर रहा है क्या 2? हाँ कर रहा है। अभी इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है क्या? नहीं है। सो व्हाट विल डू, 2 तो यहाँ पे भी रहेगा लेकिन यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी घट के हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे यह नोट अरे में ऑकर हो चुका है। नेक्स्ट वन, अभी टाइम्स, टाइम्स है क्या हैश मैप में? हाँ है। उसकी फ्रीक्वेंसी 0 के इक्वल है क्या? नहीं है। सो दोनों भी ट्रू आ चुके हैं। सो इसकी भी हम 0 कर देंगे अभी फ्रीक्वेंसी, यह भी चेक हो चुका है। नेक्स्ट वन इज 2, अभी यहाँ पे देख सकते हैं हैश मैप में 2 है क्या? हाँ है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 0 है। सो दिस विल बी द फॉल्स कंडीशन एंड ट्रू एंड फॉल्स विल बी फॉल्स। सो येल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, मीन्स यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा नो एंड वी विल रिटर्न फ्रॉम दिस फंक्शन एंड आवर आंसर विल बी नो, क्योंकि हमारे पूरे इस मैगजीन लिस्ट में 2 कितने टाइम्स था? 1 टाइम्स था, लेकिन नोट सारे में यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है। सो हम नो प्रिंट करेंगे एंड दिस इज आंसर वी हैव हियर नो। सो इन दिस वे बाय यूजिंग हैश मैप कॉन्सेप्ट वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो द कोड विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, फ्रॉम देयर यू कैन सी द कोड।